सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो सीबीआई अभी भी स्लीपिंग मोड में है। कितना टाइम चाहिए भाई, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाता था और खा पी कर पूरे राज्य का मुआयना करके सभी जानकारी जमा करके सो जाता था। लेकिन सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 1 साल से सो रही है। 2 दिन से एक खबर चल रही है कि एनसीबी के जो चीफ है समीर वानखेड़े, उनको उनके अच्छे काम के लिए, यानी कि जो जांच पड़ताल और जिस तरह से वो बॉलीवुड के बड़े बड़े गजेड़ियों को पकड़कर सामने ला रहे हैं, उसके लिए उन्हें मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला है, यानी कि बहुत बड़ा सम्मान मिला है। बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए भाई। इतना बढ़िया काम जो किया है कि बॉलीवुड के चर्सी वोट और नशेड़ियों गजेड़ियों को पकड़कर भाई जेल के अंदर डाला और बाद में छोड़ भी दिया। फिलहाल सबके सब बाहर घूम रहे। समीर वानखेड़े और इनकी टीम पर इस दौरान कई हमले भी हुए, कुछ टीम मेंबर घायल भी हुए। देखिए, इस मामले में गिरफ्तार होने वाले जो बड़े नाम थे उसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह, सारा अली खान, ये बड़े बड़े टाइप के गजेड़ी थे जिन्हें पकड़ा गया, बाद में इन्हें चाय पानी पिलाकर छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी इसके लिए समीर वानखेड़े की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े जो नशेड़ी हैं उनकी जो पोल खोली है, उनकी जो असलियत हम सभी के सामने लेकर आई है, इसके लिए तो भाई वो सम्मान के हकदार हैं। मेरी तरफ से भी एनसीबी और सीबीआई चीफ को एक चमचमाता मोमेंटो दिया जाएगा, लेकिन ये सम्मान मैं उन्हें तभी दूंगा जब वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला सकेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मजाक कर रहा है यार, तेरे अवार्ड्स के लिए वो लोग बैठे हैं क्या? ना भैया, ऐसा ना सोचना कि यहाँ बैठकर सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो करता हूँ और उसमें बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां जो फॉरेन की हैं, जो हॉलीवुड की हैं, सोनी पिक्सार जैसी फिल्में वहां पर आती हैं और जीत कर जाती हैं। एनिम डे अवार्ड्स के तहत मैं ये करता हूँ और सोसाइटी में जो अच्छा काम करते हैं उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया जाता है हमारे टीम की तरफ से। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा उस दिन बाकायदा एनसीबी और सीबीआई को मंच पर बुलाकर पूरे सम्मान के साथ ये अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि समीर वानखेड़े को अभी जो सम्मान मिला है वो सम्मान अधूरा है। क्योंकि बॉलीवुड में जिन जिन लोगों को पकड़ा गया नशे के आरोप में, वो सभी तो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो भारती हो, चाहे सारा अली खान या फिर रिया चक्रवर्ती या उसका भाई शोविक चक्रवर्ती, ये सब के सब घूम रहे हैं। तो भाई इन चीजों के लिए अगर समीर वानखेड़े को लगता है कि उन्हें सम्मान मिला है तो भाई वो खुश रहे, लेकिन ये खुशी वाली बात नहीं है। असली महानता तब होगी जब ये बॉलीवुड के नशेड़ी और गजेड़ी साल 2 साल के लिए जेल की सजा काट कर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो सीबीआई अभी भी स्लीपिंग मोड में है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाता था और खा पी कर पूरे राज्य का मुआयना करके सभी जानकारी जमा करके सो जाता था। लेकिन सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 1 साल से सो रही है। मुझे तो लग रहा है कि असली गांजा सीबीआई वालों ने ही मार कर रखा हुआ है कि उस नशे से वो लोग बाहर ही नहीं आ रहे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि लोग बाहर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बातें कर रहे हैं और सीबीआई जो है वो अभी भी स्लीपिंग मुद्रा में भाई लेटी हुई है। कितना टाइम चाहिए भाई, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। साल भर में कई मौसम आते हैं, ठंडी आती है तो नाक में आइसक्रीम जम जाती है, गर्मी के महीने में घर से नहा कर निकलो तो ऊपर वाला भी कहता है कि मेरी तरफ से भी नहा ले, इतना पसीने से तरबतर हो जाते हैं। बारिश का महीना जब आता है तो या तो बारिश होती ही नहीं है और जब होती है तो ऊपर वाला डुबा डुबा कर मार डालता है। यानी कुदरत अपना काम कर रही है लेकिन सीबीआई अपना काम नहीं कर रही। लेकिन इन सब के मामले में ये जो खेल खेला जा रहा है इसमें जीत किसकी हो रही है? जीत उसकी हो रही है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, बहुत ही बेरहमी से मारा है और मार कर खुलेआम घूम रहा है। हमें नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। ये बात अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यन स्वामी ने भी कही थी कि जब मैंने पिछली बार मुंबई का दौरा किया तो मुझे ये पूरा यकीन हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बहुत ही बेरहमी के साथ किया गया है, क्योंकि सुशांत जो है वो दिशा सालियन के बाद बहुत कुछ राज जान चुके थे और उनका जिंदा रहना उन लोगों के लिए खतरा हो सकता। तो भाई ये मेडल वेडल लेना छोड़ दो, पहले सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाओ, वरना घर में पड़े हुए उस मेडल को देखने के बाद सीबीआई और एनसीबी वाले यही सोचेंगे कि क्या हमने अपना काम ईमानदारी से किया है, क्या एक बेगुनाह जिसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया उसे इंसाफ दिलाया नहीं दिलाया। तो इस तरह के सम्मान का, मेडल का कोई भी मतलब नहीं होता है।
ऐसे कई मेडल्स आप खरीद कर अपने घर में सजा कर रख सकते हैं। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाओगे, उस दिन असल मायने में मेडल के असली हकदार बनोगे।